ऐसे देश में जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं है, ऐसे देश में जो कि बिल्कुल अनजान है मेरे लिए, कैसा होगा, क्या होगा। इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए इस वीडियो में, स्पेशल मैसेज, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, सुना है कि नया साल आया है, एक बार फिर से कोई याद आया है, सुना है कि नया साल आया है, एक बार फिर से किसी ने दिल को खटखटाया है। Ladies and gentlemen, here we go. 1, 2, 3, start. Hey everyone, here Jacob. नहीं आपने किया है? ला 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 ला. हम कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, here we go. 1, 2, 3, start. Hey everyone, here Jacob. Welcome back to YouTube channel. और आज अभी निकल पड़े हैं हम, जो जो हमें चीजें जरूरत है वो लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान है, वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ। अगर आप लोगों को भी दुनिया देखनी है, जुड़ जाइए गफ्फार व्लॉग्स के साथ। कुछ नहीं करने, अब्दुल्ला भाई बताएंगे क्या करने, मुक्के बजाने लाल वाले बटन पे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। हेलो हेलो। अच्छा जनाब, जो जो मुझे शॉपिंग करनी थी वो मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ वापस, और आप लोगों को बता देता हूँ कि आज रात को मेरी फ्लाइट है रात के 12 बजे, और कल सुबह मुझे कीनिया पहुँच जाना है। मैंने आपको न्यू ईयर की विशेज नहीं करी, तो अभी विश करता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर मेरे सारे देखने वालों को। अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब भी देखोगे आपको आपको एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। आपका ये साल बहुत अच्छा रहे, ये दिल से दुआ है आप लोगों के लिए कि बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे आपका ये साल। मेरे लिए भी दुआ करनी है कि मेरा ये साल भी अच्छा जाए। अच्छा, कुछ नए साल पे शायरी का 2 लाइन्स में कह देता हूँ कि सुना है कि नया साल आया है, एक बार फिर से कोई याद आया है, सुना है कि नया साल आया है, एक बार फिर से किसी ने दिल को खटखटाया है, सुना है कि नया साल आया है, एक बार फिर से कोई याद आया है। इन हवाओं में कुछ पुरानी सी बात थी, आज इन हवाओं में कुछ पुरानी सी बात थी, और इन पुरानी सी बात ने कुछ याद दिलाया है, सुना है कि नया साल आया है, आज फिर से कोई याद आया है। ये पोएट्री जिसके लिए है वो पता नहीं। छोड़ो यार, बस बस बस, आगे ज़्यादा बातें लंबी हो जाएंगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए इस वीडियो में, स्पेशल मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है, एटलीस्ट उन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। देखिए, शहाब भाई के साथ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शहाब भाई के साथ मैं बीच में आके जुड़ा था, उससे पहले मेरी ट्रैवल चल रही थी। अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते हो, पूरी वीडियो शुरू से देखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कर्नाटका में था, कर्नाटका से मैं फिर गोवा में गया, गोवा से फिर कर्नाटका गया, फिर वहाँ से राजस्थान आया, फिर शहाब भाई के साथ उनके साथ जो सफ़र शुरू किया, और ये सफ़र यादगार सफ़र, ज़िंदगी भर भूलने वाला ये सफ़र नहीं, मतलब जानता भी नहीं था शहाब भाई को, उनके साथ जो आगे लड़के थे वो थोड़ा मैं नहीं जानता था, उनके दोस्त मेरे दोस्त थे, पर इतना भी नहीं पता था कि शहाब भाई के साथ इतनी दोस्ती हो जाएगी, इतनी गपशप हो जाएगी, इतना सब कुछ हो जाएगा और इतने करीब हो जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ चल के, आप लोगों का प्यार था, बहुत मज़ा आया, और ये जो सफ़र था इट वॉज़ रियली एक हिस्ट्री रहेगी मेरे लिए, और यू नो व्हाट वी से, एक मेमोरेबल सफ़र रहेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस सफ़र में, लेकिन जो मैं मैसेज आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो ये है कि शायद आपको सुन के थोड़ा सा फील हो, लेकिन देखिए मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा भी क्या मसला है। मेरा जो जर्नी है शहाब भाई के साथ यहाँ पे इंडिया का जर्नी, वो ख़त्म हो गया है आज, क्योंकि आज मुझे रात को 12 बजे उड़ जाना है कीनिया की तरफ, कीनिया फ्लाई करना है मुझे, कीनिया एक्सप्लोर करना है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं शहाब भाई को
क्यों नहीं वाघा बॉर्डर क्रॉस करवाई या फिर वो पाकिस्तान चले गए, क्यों नहीं मैं अपडेट्स दे रहा हूँ, क्या मसला है? देखिए पहले मैं आपको साफ साफ अल्फाजों में बता देता हूँ कि हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, और हमारे पास इतने अथॉराइज्ड भी नहीं हैं कि हमें उनके बारे में बताया जा सके, उनके बारे में वीडियोस बनाई जा सकें। और कोई भी यूट्यूबर, आपको इंडिया की तरफ से कोई भी यूट्यूबर लाइक जो साथ चल रहे थे, बाकी तो ऐसे घर बैठ के ऐसे अपने अपने कयास लगा के बनाते हैं, पर हमें जो साथ चल रहे थे हमारे तरफ से कोई भी वीडियोस है जो नहीं बना रहा है उनको लेके। देखिए जब वो खुद अपने चैनल पर वीडियोज डालेंगे, वो जब खुद, तो फिर सब सारे बनाना शुरू कर देंगे, सबको पता चल जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, पर पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा। इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, सफ़र पाकिस्तान में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या इंडिया में हैं, वाघा बॉर्डर कब क्रॉस करेंगे, वो सब आप लोगों को पता चल जाना है। पर मेरा मैसेज ये था कि मेरा ये यादगार सफ़र था शिहाब भाई के साथ, आप लोगों की मोहब्बत, शिहाब भाई की मोहब्बत, वो चलना, लोगों से बातें करना, फिर दोस्ती हो जाना बहुत सारे लोगों के साथ, नाते पढ़ना, एक दूसरे को सुनाना, क्वेश्चन करना, वो बहुत यादगार सफ़र रहेगा मेरे लिए। और मैं ये कह रहा था कि मैं अगर चला जाऊँगा उधर, ये वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो इट विल नॉट बी अ गुड थिंग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्या मसला है, पर ऐसा नहीं है। हमें कुछ मैसेजेस इन द सेंस लाइक कि वी आर नॉट अलोड, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँगा कि हम अलो नहीं थे उनकी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हम कोई भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी उनके बारे में नहीं है। आप लोगों का थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भरपूर साथ दिया मेरा भी, और मैंने खुद को भी इंजॉय किया आप लोगों की वजह से। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे और बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, मैं थैंक यू सो मच कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक इतने लोगों के साथ जान पहचान हुई और इतना प्यार मिला आप लोगों का, और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। अभी मैं कीनिया जा रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्यार बनाए रखना, और दुआ भी मेरे लिए आप लोग करते रहना, दुआओं की मुझे ज़रूरत रहेगी। और इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा शिहाब भाई को कि अल्लाह आपका सफ़र आसान करे, और जितना जल्दी हो सके हमें भी पता चले कि आप कहाँ पे, और हम भी अपनी ऑडियंस तक पहुँचा सकें कि वो कहाँ पे। और ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जब शिहाब भाई का सबको पता चलेगा कि कहाँ पहुँचे, आपको हम बताते रहेंगे, मैं अपने चैनल से आपको लोगों को बताता रहूँगा कहाँ पहुँचे, कैसा चल रहा है सफ़र, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन अभी तो कोई अपडेट्स है नहीं है कहाँ पे हैं, किधर हैं, क्या नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस चीज़ को बंद कर रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस यही बता रहा हूँ कि आज रात को 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, आप लोगों ने दुआ करनी है मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से कीनिया में पहुँच जाऊँ, ऐसे देश में जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं है, ऐसे देश में जो कि बिल्कुल अनजान है मेरे लिए, कैसा होगा क्या होगा खुदा बेहतर जानता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करते रहिए मेरे लिए, मुझे हौसला देते रहिए, और इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा कीनिया, सिर्फ कीनिया ही नहीं उसके साथ साथ भी कंट्रीज़ में ट्रैवल करके आपको एक्सप्लोर इंशाल्लाह करता रहूँगा। और यही बता रहा हूँ कि मेरा सफ़र है जो शिहाब भाई के साथ सिर्फ इंडिया में ख़त्म हो गया, बाकी का मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, इंडिया में मेरा सफ़र है जो शिहाब भाई के साथ है जो ख़त्म है। तो बस यही था इस वीडियो में, ये मैसेज था आप लोगों के लिए, आज रात को निकल रहा हूँ मैं, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बहुत ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि बजट ट्रैवल है मेरा, आप लोग वीडियोस देखोगे शेयर करोगे तो तभी रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा, और मेरा ट्रैवल है जो इजी होगा वरना मुश्किल हो जाएगा। सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं भी कीनिया में मिलूँ आपको, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखना है, और मेरा ध्यान भी रखना ही रखना है। और इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमेशा देता हूँ, आप भी दूंगा कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, दारू बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। खुदा हाफिज़।